जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। मैं हूँ कौशिक पटेल और आप देख रहे हैं ब्राइसिकल रेडियो ब्लॉग। तो सुबह सुबह ही आपका भाई कुछ इस तरह से ये पहाड़ी चढ़ा रहा है। अभी भी यहाँ से गंगोत्री की दूरी है 110 किलोमीटर। और सुबह सुबह उठते ही कुछ ये है, और आज की राइड हमने स्टार्ट की है 7 बजे, तो बहुत ही अच्छा है। ट्राई करेंगे अगर आज पहुंच जाए तो बहुत ही मस्त रहेगा सफ़र। तो बस अभी बने रहे ब्लॉग के साथ। जय श्री महाकाल। तो गाइस चलो पहाड़ी चढ़ा के आ गए हैं, अभी उतरते हैं नीचे, फिर से पहाड़ी चढ़ाएंगे, फिर से उतरेंगे। बस यही सिस्टम चलता है यहाँ पर। जय माँ गंगा। तो अभी साइड की ओर से गंगा जी बह रही है। तो हमें वहाँ तक छोड़ तक जाना है हमें आगे। अभी ब्रेक है वो बहुत ही मस्त काम करी है वैसे, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया मैंने। ये देखो यार टैलेंटेड है आपका भाई। तो गाइस सुबह सुबह उत्तराखंड की पहाड़ियाँ कुछ ऐसी दिख रही है, और पहाड़ चढ़ा चढ़ा के आपके भाई को पसीना है वो कुछ यहाँ रखा है। अभी भी ये इतनी चढ़ाई बाकी है जितना हम उतरे नहीं, उससे ज़्यादा तो हम चढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या है। चलो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा धक्का लगाता हूँ उसके बाद फिर से चलाते हैं। बने रहो ब्लॉग के साथ। जय श्री महाकाल। हर हर गंगे। तो गाइस दर्शन कर लो गंगा मैया के। ये देखो अभी जाना है हमें यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ यहाँ से, ये टनल तो नहीं है लेकिन लग बहुत ही बढ़िया रहा है। तो गाइस चलो अभी कुछ बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। बिस्किट कितने वाले? ओरियो 10 और 35। 10 और 35। दूसरे कितने वाले? 35। ओरियो 35 वाले खाटी बोले नहीं होता बढ़िया। तो अभी हम जाने वाले हैं टनल के अंदर, ज़्यादा नहीं है 370 मीटर की है। टनल खत्म। वाह भाई हमारा सफर रास्ता कुछ ये है। तो अभी हमारा सफ़र है नदी के साथ, रास्ता है वो कुछ ये है, चढ़ाई है। अभी हमने उत्तरकाशी क्रॉस कर दिया है, और अभी यहाँ से गंगोत्री की दूरी है 92 किलोमीटर। रास्ता पूरा चढ़ाई वाला हो गया ऐसा लग रहा है। अभी ये चढ़ाई चढ़ाते हैं उसके बाद आगे चलते हैं,
उसके बाद ही पता चलेगा कैसा रास्ता है। तो बस अभी बने रहे ब्लॉग के साथ, जय श्री महाकाल। तो गाइस दोपहर हो गई, दोपहर के खाने के लिए हम रुके हैं होटल दामिनी नेताला उत्तरकाशी। तो यहाँ पे थाली है, तो थाली का प्राइस है 150 रुपये, लेकिन भैया कह रहे हैं आप इतना कर रहे हो तो आपके लिए हम 100 रुपये लगा देंगे। तो बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ही अच्छा है, 100 रुपये हमारा खाना मिल जाएगा, तो बहुत सही रहेगा। अभी फिलहाल थोड़ा पानी पी लेते हैं और चेकेट वगैरह निकाल देते हैं। वो धूप कम लगती है इसमें, इसलिए मैंने लगा रखा है। गर्मी होती है लेकिन यहाँ पे ऐसा ठंडी हवाएं चलती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बस अभी बने वालों के साथ जय श्री माँ। तो वही से हमारा खाना आ चुका है, रोटी दाल सब्जी अचार मिर्च। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, चावल है वो बाद में आएंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो गाइस चलो दोपहर के 1 बजे राइड स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से मैं। ये थोड़ी चढ़ाई है तो धक्का लगाता हूँ, इसके बाद बैठ के जाऊँगा। अभी कह रहे हैं 90 किलोमीटर तक चढ़ाई है, उसमें से 5-6 किलोमीटर उतर आई आई। अभी जो हो वो, एक दिन ज़्यादा लगे तो कोई नहीं, जाएंगे तो ज़रूर। बने रहे ब्लॉग के साथ, जय श्री महाकाल। अभी आश्रम है, यहाँ पे बाबा जी बुला रहे हैं तो जाते हैं। भोजन तो अभी अभी किया है। आप चल के जा रहे हो? ये सब लगा रखा है इसलिए। हाँ कैमरा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भागीरथी वाटरफॉल। ये जो रिवर है ये भागीरथी है, काफी मस्त लग रहा है वाटरफॉल देख लो। हमें जाना है इस रास्ते पर और अभी है कुछ वाटरफॉल। तो यहाँ पे ये डैम बना रखा है, ये बहुत ही मस्त लग रहा है। और अभी हमें जाना है इस रास्ते से। तो अभी अभी हम जा रहे थे और हमें ये भैया लोग मिले हैं यहाँ पर, हमें ये बना रहे हैं, इन्हें खा के जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? बनारस। बनारस यूपी। कितने लोग हो? हाँ यही है, 7 लोग। बहुत ही बढ़िया। तो ये गंगोत्री जाके आगे, अभी केदारनाथ, अभी यमुनोत्री जा रहे हो? उल्टे दाम कर रहे हो, ऐसे उल्टे आ रहे हो? हाँ हाँ, मतलब ये नज़दीक था पहले, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, वो भी सही है। तो मैगी वैगी खा के हम सब अपने अपने रास्ते निकल पड़े हैं। भैया लोग जा रहे हैं यमुनोत्री और मैं जा रहा हूँ गंगोत्री, जिसका रास्ता ये है। और मौसम है ना कुछ ये हो रखा है, बारिश होने वाली, ऐसा हो रखा है, ठंडा हो गया है। आई होप बारिश ना हो तो अच्छा है, बस मौसम ये रहना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस अभी बने रहे ब्लॉग के साथ, चलाते हैं थोड़े, अभी 10-20 किलोमीटर और चलाएँगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। बने रहे ब्लॉग के साथ, जय श्री महाकाल।
तो गाइस सोचा नहीं था मौसम इतना भी खराब हो सकता है। देखो हवाएं बहुत तेज चल रही है। ऐसा कभी सोचा नहीं गया ऐसे भी हालत हो जाएगी। और हम लैंडस्केप पे भूखलन संभावित क्षेत्र में खड़े हैं। ये देखो मौसम बहुत ही खराब हो रहा है। देखो ये पहाड़ी से हम उतार रहा हूँ, ब्रेक की भी जरूरत नहीं है, इतनी हवा है तेज चल रही है। नदी का ये बहाव देखो आप, बारिश होने लगी। तो गाइस देखो बहुत ही तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मैं अभी रुका हूँ वो है पायलट बाबा आश्रम के पास हूँ मैं अभी। ये देखो कुछ बारिश बहुत ही हो रही है। दोनों यहाँ पर है, अपना लगेज वगैरह सब बचना चाहिए और कुछ नहीं, तो बस इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। तो देखते हैं बारिश खुलती है कि, वरना यहीं कहीं स्टे कर लेंगे ऐसा सोच रहा हूँ। बस अभी क्या होता है अंदर जाके पूछना पड़ेगा फिर ही पता चलेगा। तो नहीं अभी इस बने वालों के साथ जॉइस के वहाँ पर पूछते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो गाइस अभी बारिश फिर से पड़ गई है। देखो कितनी बारिश हो रही है। आज रात 4 बजे स्टॉप करनी पड़ी। तो गाइस अपना मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, बारिश। मैं साइकिलिंग, बहुत बारिश हुई, अभी भी हल्की हल्की से हो रही है। मैं कर रहा हूँ थोड़ा चला लूँ तो सही है, कल मुझे कम चलानी पड़ेगी। तो मैं निकल आया और देखो व्यू, वाह बहुत ही मस्त हो रहा है व्यू, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो नए ब्लॉग के साथ जय श्री महाकाल। तो गाइस व्यू है वो देखो, उस तरफ पूरी धूप दिख रही है और इस तरफ काला अंधेरा। और ये भगीरथी, चलो चलाते हैं साइकिल बारिश के मौसम में। देखो पसीना हो रहा है। अच्छा जय श्री महाराज। तो गाइस अभी मैं हूँ मैगी पॉइंट के नीचे, ये दुकान है ऊपर है और मैं टेंट लगाने वाला हूँ आज यहाँ पर। तो ये काफ़ी मस्त जगह है और यहाँ से व्यू है वो कुछ ये है, काफ़ी बढ़िया जगह है। तो फिलहाल मैं साइकिल वहाँ से यहाँ नीचे ले आया हूँ। जब तक अपनी दोनों अपने साथ नहीं रहती तब तक हमें अच्छा फील नहीं होता, तो इसलिए मैं नीचे लेके आ गया। तो बस अभी हम साइकिल को यहीं लगा देते हैं और यहाँ पे टेंट लगाते हैं बढ़िया तरीके से। तो बस तो गाइस फाइनली अपना टेंट है वो रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। अंदर है कुछ ये जगह है अपनी, दो लोग आराम से सो सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगेज वगैज जो है सब है, मैंने साइकिल में मस्त सेट कर दिया, जैसे कि मैंने इसमें रख दिए कपड़े और इसमें खाने पीने का सामान एक बैग में। तो कुछ इस तरह से मस्त अपना है, एडजस्टमेंट हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है थोड़ा, आप भी एडजस्ट कर लेना हमारी लैंग्वेज को। ये देखो रिवर और ये व्यू काफ़ी मस्त है, बादल काले काले छाए हुए, बारिश होगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही मस्त जगह मिली आज तो रुकने का, तो बहुत ही मस्त जगह है। और सुबह सुबह बस शाम तो इन पहाड़ को देखते देखते बीत जाएगी।